आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोन पे में पैसा ऐड कैसे कर सकते हैं अपनी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की मदद से। राइट, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो हम फोन पे के वॉलेट में पैसा ऐड करेंगे अपनी एटीएम कार्ड से। सेम ही प्रोसेस है, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं इसी टाइप से। तो सबसे पहले आपको फोन पे ऐप में आ जाना है। फ़ोनपे ऐप में जैसे ही आप ओपन कर लेंगे, आपको यहाँ पे फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम वॉलेट पे क्लिक करके देख लेते हैं कि वॉलेट में कितना रुपए है। यहाँ पे 0 रुपये डाला हुआ है वॉलेट में, और अब ये हमारा वॉलेट भी इनएक्टिवेट बता रहा है। तो हम यहाँ पे एक्टिवेट वॉलेट पे क्लिक करके एक बार इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ओटीपी सेंड करके ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। यदि आपका पहले से एक्टिवेट है तो अच्छी बात है। यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस आएगा। जीरो बैलेंस शो कर रहा है इसमें, वॉलेट में हमारे में कोई पैसा नहीं है। यहाँ पे हम जितना रुपए ऐड करना चाहते हैं टाइप कर लेंगे। जैसे हम 100 रुपये ऐड करना चाहते हैं टाइप कर लेंगे। आप यहाँ पे 1000, 1000, 2000 ऐसा ऐड कर सकते हैं, आप जितना करना चाहें। प्रोसीड टू टॉपअप पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे पैसे टाइप कर लेने के बाद में। अब यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा कि आप पैसा किस चीज़ से ऐड करना चाहते हैं इसमें। आप अपने बैंक अकाउंट से ऐड कर सकते हैं। सिंपली बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आप ऐड पे क्लिक करके अपना बैंक इसमें ऐड करके और आप अपने UPI पिन डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पैसा ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम पैसा अपने ATM कार्ड से करेंगे यहाँ पे ऐड। आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन डेबिट क्रेडिट कार्ड, इसी वाले ऑप्शन से तीनों कार्डों से पैसा ऐड होता है, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। राइट, तो हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके हमारे ATM कार्ड से पैसा ऐड करेंगे। अब सिंपली आपका कोई सा भी कार्ड हो तीनों कार्ड में से, आप यहाँ पे फर्स्ट में कार्ड नंबर डाल दें, आपको कार्ड के ऊपर लिखा मिल जाएगा, ये काफ़ी बड़ा नंबर रहता है। और यहाँ पे आप कार्ड की एक्सपायरी डाल दें जो कि आपको महीने में और साल में डालनी है, मंथ में और ईयर में एक्सपायरी। इसके बाद में आप कार्ड का CVV डाल दें यहाँ पे, ये CVV आपको कार्ड के पीछे लिखा मिल जाता है, 3 अंक का रहता है ये CVV। जैसे ही आप कार्ड की डिटेल डालेंगे यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, पे एंड सेव का। इस वाले ऑप्शन पे यदि आप क्लिक कर देते हैं तो आपका कार्ड फोन पे में सेव हो जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम अपने कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको कार्ड की डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, आप ऐसे ही पेमेंट कर पाएंगे। और पे विदाउट सेविंग पे क्लिक कर देंगे आप तो आपका कार्ड यहाँ पे सेव नहीं होगा, आपका एक ही बार पेमेंट होगा यहाँ पे। जब आप नेक्स्ट टाइम इससे पेमेंट करेंगे तो दोबारा आपको कार्ड की सारी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम पे एंड सेव पे क्लिक कर देते हैं, हम अपना कार्ड भी सेव हो जाएगा, अच्छी बात है, दोबारा हमको डालना नहीं पड़ेगी डिटेल। राइट, इसके यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, हम यहाँ पे एंड रेट पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेमेंट होने लगेगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ बता दूं मैं आपको, आप यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी देख सकते हैं, ऐड डेबिट ऐड क्रेडिट कार्ड। अब कभी कभी क्या होता है कि आप आएंगे इसमें पैसे टाइप करके ऐड करने को, तो आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन भी लिखा मिल जाता है ऐड डेबिट क्रेडिट कार्ड का। यदि आपके सामने वो वाला ऑप्शन अभी आया था ऐड डेबिट क्रेडिट कार्ड का, वैसा नहीं आता है, तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करके भी अपने कार्ड से पेमेंट कर पाएंगे। हम यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे एंड रेट पे, यहाँ पे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक कोड सेंड किया गया है, उस वाले मोबाइल नंबर पे जो आपके बैंक अकाउंट से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पे जो कोड आया है वो कोड आप यहाँ पे टाइप करेंगे और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे। और जैसे ही आप इतनी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पैसा आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा अपने कार्ड से, यानी कि आपके फ़ोनपे वॉलेट में आपका पैसा ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पे फ़ोनपे वॉलेट पे क्लिक करके अपना पैसा भी देख सकते हैं, और आप वॉलेट में अब इस पैसे से जो भी उपयोग करना चाहते हैं इसका वो आप कर सकते हैं यहाँ पे फ़ोनपे में। तो इस तरीके से आप अपने कार्ड से फ़ोनपे वॉलेट में पैसा ऐड कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, यदि हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।